रहीम, तो अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है कराची के जाने पहचाने नाम कराची टेम्पल के नंबर वन कप्तान राहुल साहब भाई आज हमारे साथ मौजूद है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद वो कराची यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो हमारे खुशी कहने पर आए, तो आज अल्ताफ़ भाई से जानते हैं। अल्ताफ़ भाई, सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर कराची में वेलकम कहते हैं। अल्ताफ़ भाई, आज आपने देखा है कि जिस तरह एक मैच हो रहा था WPL में, उस मैच में आपने देखा था कि किस तरह का मैच था, और जो कोई बैट्समैन विकेट पर परफॉर्म कर रहा होता है जहाँ पे उसके वीक जोन है, तो कप्तान मैंने बहुत कम देखे, खासतौर पर जो कप्तान को बैट्समैन के वीक जोन का पता हो, तो आप किस तरह से हैंडल करते थे? जब भी कोई बैट्समैन परफॉर्म करने जाता था तो बॉलर को बताते थे कि ये बैट्समैन का वीक जोन है। आक्रम भाई, आज भी एक बहुत अच्छा समय पैनल था, मेरे ख्याल WPL का ये सबसे अच्छा मैच था, और आखिरी ओवर में 17 रन शफीक ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा स्कोर था, और जो बैट्समैन उसके सामने था वो टेलेंडर था, टेलेंडर की कमजोरी बॉडी थी, और जो उनका सामने बॉलर था वो भी यंगस्टर था, उसको उसकी कमजोरी का भी पता था, वो ऑफ साइड पे खेला था। कैसे बैट्समैन की वीक जोन का पॉइंट का अंदाजा बना लेते हैं? वीक जोन का उसके शॉट से अंदाजा होता है। अक्रम भाई 2-3 गेंदे वो खेलता बैट्समैन, तो कैप्टन को समझ आना चाहिए कि उसकी कमजोरी लेग साइड पे या ऑफ साइड पे। लेकिन WPL में आज इरफान भाई जो कप्तान थे, उन्होंने आखिरी ओवर में बैट्समैन की कमजोरी नोट नहीं की और वो मैच टाई हो गया। अल्ताफ़ भाई, जिस तरह आजकल कराची में एक नया क्रिकेट का आया मरबा शुरू हो चुका है, जिस तरह अंडर 16 का टूर्नामेंट अरमान भाई ने चलाया था, उसके बाद जब यहाँ पे हलीम में एक अंडर 19 का टूर्नामेंट चला था, उसकी स्थिति के बारे में क्या कहेंगे आप? अक्रम भाई, ये एक अच्छा कदम है क्रिकेट के लिए, बशर्ते कि 16 वाले लड़के खेले। अदनान भाई ने भी अच्छा टूर्नामेंट कराया और कुरंगी में भी एक अच्छा टूर्नामेंट रहा है अंडर 19, लेकिन उसमें आता प्रिंस जिसकी उम्र मुझे नहीं लगती कि 19 साल की, ये सिर्फ देखना होगा यंगस्टर को आगे लाने के लिए, अगर 19 साल के टूर्नामेंट है तो 19 साल के लड़के खेलने चाहिए, बाकी ये अच्छा कदम है, मैं दोनों स्पॉन्सरों का अप्रिशिएट करता हूँ इस कदम को। तो उसमें कई यंगस्टर इस वक्त कराची में उभरते हुए स्टार नजर आए, जिस तरह एक कई प्लेयर नजर आए जिसमें एक नाम से यूसुफ खान जो उसका ताल्लुक मरीज से अंडर 17 के प्लेयर है, माशाल्लाह से क्या टैलेंट है, मैं तो कहता हूँ असर आने वाले वक्तों में असर शाह के मुकाबले में होंगे, तो ये टैलेंट को इस तरह प्रमोट करना तो क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, ये एक अच्छा कदम है, अगर इन्होंने स्टार बनना है सुपरस्टार तो फिर पैसे को ना देखे, अगर स्टार बनने के लिए वो पैसे को तरजीह देंगे तो फिर कभी भी स्टार नहीं बन सकेंगे, अपने क्रिकेट पर तवज्जो रखें, जहाँ अच्छे क्रिकेट खेल मिलती है फ्री में खेलने जाएं, कभी पैसों की फरमाइश ना करो, मैं तो उसी को प्लेयर मानूंगा जो सुपरस्टार है, जो पैसे को पहले तरजीह देता है तो आने वाले वक्तों में वो पीछे रह जाते हैं, असस्या हो या जो भी हो उसके मुकाबले में कराची में टैलेंट बहुत है, और मेरी यंगस्टर से यही अपील है कि पैसों को तरजीह ना दें, अगर उनको कोई अच्छा मैच फ्री में भी खेलने को मिले, अच्छा टूर्नामेंट मिलता तो जाए और अपने आप को लोहा मनवाए। अल्ताफ़ भाई, ये तो बात बिल्कुल आपसे थी, आज का जो कराची पर टैप बॉल का रुझान है, जिस तरह के इवेंट हो रहे हैं 20,000-25,000 पे, अक्सर मैंने देखा है कि कई टूर्नामेंट होते हैं उनका फाइनल नहीं होता है, जब टाइम ख़त्म हो जाता है और उस फाइनल को हाफ हाफ करते हैं, क्या कहेंगे उस उन टूर्नामेंट के बारे में? अक्रम भाई, ऐसे टूर्नामेंट कराची में नहीं होना चाहिए जिसका फाइनल ना हो, क्योंकि फाइनल में एक टीम मजबूत होती है, दूसरी टीम कमज़ोर होती है, कमज़ोर टीम यही सोच रही होती है जो मैंने बड़ी क्रिकेट खेली है कि मगरम हो जाए, किसी तरह अंधेरा हो जाए और ये मैच बराबर हो जाए ताकि हमें भी आधे पैसे मिल जाए, अगर जो वो स्पॉन्सर कैप्टन जो पैसों को तरजीह देते हैं वो कभी नाम नहीं बना सकेंगे, अगर नाम बनाना तो फाइनल जीतने पड़ेंगे और दूसरी टीम के हौसले पुश करके अपना फाइनल जीतना होगा। अल्ताफ़ भाई, क्या कहेंगे 2 साल कराची टेम्पल के नंबर 1 कप्तान रहे, क्या वजह था उसकी, वजह क्या था, उसका रीज़न क्या था? अक्रम भाई, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि कैप्टन भी मैं खुद था, स्पॉन्सर भी मैं खुद था, और टीम भी खुद सेलेक्ट करता था, सब लड़कों को अपने दिमाग से जैसा समझता था, ये नहीं कि कोई सुपरस्टार है मेरी टीम में तो उसको ज़्यादा तरजीह दूँ और जो यंगस्टर है उसको भूल जाऊँ, नहीं, जो 11-11 थी उसमें सब मेरे लिए बराबर थे, इसलिए आज तक सब तारीफ करते हैं, मैं जिस ग्राउंड में खेलता था अल्लाह का शुक्र है दूसरी टीम कहती थी अल्ताफ़ स्पोर्ट्स से हम मैच नहीं खेलेंगे, अल्ताफ़ स्पोर्ट्स से नहीं दो मैच, और अल्लाह ताला ने 2 साल मेरी हुक्मरानी रखी और अल्लाह ताला का अदा का हमारा शुक्र है, और कराची की अवाम का भी तय दिल से शुक्र अदा करता हूँ जिसने अल्ताफ़ स्पोर्ट्स की तय दिल से इज्जत की।
अल्ताफ भाई, आपने माशाल्लाह से बड़ी हाई लेवल क्रिकेट खेली है, क्या कहेंगे आपने गजाब लेवल की भी क्रिकेट खेली है, गजाब लेवल में भी इनिंग्स खेले, क्या कहेंगे शहर की क्रिकेट और गजाब की क्रिकेट में क्या फ़र्क है? शहर और गजाब की क्रिकेट में एक ही फ़र्क है अकरम भाई, आपको मैंने आज से 6 महीने पहले भी बताया कि ये फिंगर पे फंसते हैं गजाब वाले, यहाँ टीमें बहुत हैं, स्पॉन्सर कम है, आप जैसा स्पॉन्सर इन सबको एक टीम बना के खिलाया गजाब की। मैं आज भी कहता हूँ कराची की टीमों से बहुत अच्छे टैलेंट इनके पास, जैसे मोहित भदोही अभी मुझे नया टैलेंट नज़र आ रहा है, आप जैसा कोई स्पॉन्सर कैप्टन इनके साथ हो तो ये बहुत आगे निकल सकता है। मेरे गजाब वाले लड़कों से यही अपील है कि अच्छी क्रिकेट खेलें, फिंगर बॉलर से मत घबराएं, स्लो वन को भी खेलना सीखें, ये सिर्फ तेज बॉलर को अच्छा खेलते हैं, स्लो वन जहाँ आता है वहाँ फंस जाते हैं, थोड़ी सी कमजोरी है, बाकी टैलेंट की कमी नहीं है गजाब में। अब हम आपसे ये पूछेंगे, आईपीएल जिस तरह सीजन बन हुआ था, बेहतरीन आगाज हुआ था और बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ था जहाँ पे चैंपियन रहे थे अल्ताफ स्पोर्ट्स, उसके बाद एक बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ था उसका भी चैंपियन था अल्ताफ स्पोर्ट्स, तो अब आईपीएल 2 का यहाँ पर आगाज होने जा रहा है, आईपीएल 2 में इस बार 6 टीमें, क्या कहेंगे आईपीएल 2 के बारे में? अकरम भाई, आईपीएल सीजन 1 तो बहुत फर्स्ट क्लास रहा था, और सीजन 2 ये मुन्ना शकील आमिर और रजा, ये 4 बंदों की मेहनत है, इन्होंने मेरे नाम को फिर तरजीह दी, इन्होंने कहा कि अल्ताफ भाई जहाँ से आपकी हम छोड़ के गए थे 1 तो हम सीजन 2 कराते हैं। सीजन 2 इन्होंने 6 टीमों पे मुश्तमिल किया है जिसमें बहुत से इनाम आते हैं, बेस्ट कैप्टन, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर और बेस्ट प्लेयर, और जिसकी विनिंग है 15,000 और रनर अप 10,000 भी बड़ी ट्रॉफी, क्योंकि इसकी एंट्री भी 5,000 है, 6 टीमें हैं। इसके अलावा मैं मानिक सुशी अपनी तरफ से भी इनाम देंगे, मैं भी अपनी तरफ से बहुत से इनाम दूंगा, मेरी तरफ से भी सेमीफाइनल में जो अच्छे बैट्समैन होंगे उनको बैट दिए जाएंगे, और उसके अलावा मेरी तरफ से कमेटी को 10,000 रुपये का ऐलान भी है। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पहले बंदा शहर में जाता है वहाँ का माहौल देखा जाता है, पंजाब की क्रिकेट बहुत अच्छी क्रिकेट है, उधर आम दिनों में भी अच्छी क्रिकेट होती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास टाइम होता है हफ्ता इतवार, कराची में ज़्यादा क्रिकेट होती थी हफ्ता इतवार, तो मेरी टीम थी, आम दिनों में मैं टीम नहीं चला सकता, इसी वजह से मैं कोई ऐसा लड़का अपने साथ देख रहा हूँ जो कैप्टनसी कर सके, मैं आज स्पॉन्सर बन सकता हूँ जो टीम को चला सके, फिर मैं जाके पंजाब में अच्छी टीम बना सकता हूँ, अदरवाइज अच्छी टीम नहीं बना सकता पंजाब में, इसलिए अभी तक मैंने टीम नहीं बनाई पंजाब में। क्या समझते हैं कराची में जिस तरह पहले काफ़ी टाइम करते हैं नए बॉलर यहाँ पर कराची में दिखे थे, जिस तरह वसीम वसी आए थे, उसका सही तत्पर आए थे, और कई ऐसे बॉलर थे, काफ़ी टाइम हो चुका है पिछले 1 साल से मुझे कोई ऐसा नया टैलेंट बॉलर नजर नहीं आया जो इस तरह का खास बॉलर हो जो पंजाब में जाके कराची उसी के लिए परफॉर्म कर सके। अकरम भाई, इधर कराची में ज़्यादातर है बैटिंग का शो, सब बॉलिंग से डरते हैं, पता नहीं क्या वजह है, बॉलर बनना ही नहीं चाहते, हालांकि कराची की सरजमीन पे हर दौर में बहुत अच्छे बॉलर रहे हैं, पहले दौर में देखो सईद अकबर जो आखिरी ओवर में 3 रन पे चाहिए, मेरा तो आइडियल बॉलर था सईद अकबर, वो जैसा बॉलर मैंने आज तक कराची की जमीन पर नहीं देखा, उसके बाद वसीम भी अच्छा रहा लेकिन वसीम वसी अब थोड़ा सा पिटने लग गया है, उसके अलावा मुझे कोई ऐसा बॉलर नज़र नहीं आता जो कराची की सरजमीन पे अपनी बॉलिंग लाइन से कराची को जिता सके। भाई आखिरी सवाल है, आप क्या कहेंगे ये जो जूते हो रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे स्पॉन्सर है, स्पॉन्सरों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्पॉन्सरों को मेरा एक ही मैसेज है कि नए टैलेंट की तलाश में रहे, अगर कोई सुपरस्टार है तो उसके मुकाबले में टैलेंट को लेके आए और उसकी हिमायत करें, अगर कोई गरीब है तो उसको छोड़ नहीं दो, नहीं यार ये हमारे काम नहीं आएगा इसको छोड़ो, अगर उसमें क्वालिटी है तो उसको आगे लेके आओ और उसको एक प्लेयर बना ताकि आने वाले वक्तों में वो आपकी तारीफ करें। मैंने अपने क्रिकेट में आमिर मलिक को प्लेयर बनाया, रजा है उसको प्लेयर बनाया, दानिया लेफ्टी है उसको प्लेयर बनाया, नवीद दाता 20 साल मेरी टीम में खेलता रहा आज तक, शकील है 20 साल मेरे साथ रहा अच्छी क्रिकेट खेलता था अभी तक खेलता है, और बहुत से नाम है, नवीद मुतासरीन, नवीद लाला भी जिसको कहते हैं, वो सिंध से आ था और आके मेरी टीम ज्वाइन की थी, आखिरी दम तक जब तक था मैं मेरे साथ ही खेलते रहे, आपके सामने बड़ी बड़ी मिसालें हैं,
और नांगिश है ताल्लुक रखने वाला कोका, जिसने अपने जिंदगी के 15 साल मुझे दिए। शहीद अकबर 2000 से लेकर सन 2016 तक मेरी टीम की नुमाइंदगी करते रहे। तो ये ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता, जो आज भी मेरी इज्जत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और मुझे फख्र है कि इन क्रिकेटरों पर ज़्यादा मेरा हाथ रहा है। ये भी जहाँ जाते हैं इनकी पहचान ही होती है अल्ताफ स्पोर्ट्स की नुमाइंदगी। अल्ताफ भाई, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है, ये क्रूशियल सवाल है, जरा सोच समझ के जवाब देना। क्या कहेंगे आजकल के टैलेंट के बारे में, जिस तरह के आज का टैलेंट, जिस तरह का आज का टैलेंट दिख रहा है, जो बाहर जिस तरह आते हैं, तब जब मेरे बाहर थोड़ा ऊपर हो जाते हैं, खुद को सुपर स्टार समझ जाते हैं, समझने लगते हैं, और उसके बाद तो क्या उनके उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? अकरम भाई, जो सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करता, सीनियर होता है उस्ताद के बराबर, वो तो कभी कामयाब ही नहीं होगा। जो सुपरस्टार बनना चाहता है उसको वक्त का पाबंद होना चाहिए, डॉलर कभी भी ना उठाए और अपनी गर्दन नीचे करके रहे। अगर वो 100 रन भी बना ले तो बॉलर की फिर भी तारीफ करें कि इसने अच्छी गेंद कराई। यही नहीं कि 3 छक्के मारने के बाद बॉलर की हुटिंग करे और अगले मैच में बॉलर उसको बोल्ड कर दे, बॉलर उसकी हुटिंग करे। वो कभी भी दोनों सुपरस्टार नहीं बन सकते। एक दूसरे की इज्जत करें, अच्छे बॉलर की तारीफ करें और अच्छे बैट्समैन की भी तारीफ करें। अगर किसी मैच में बैट्समैन खिलाफ हो जाता है तो उसको ये नहीं कहिए अपने आप को सुपरस्टार समझता, नहीं, अगला दिन फिर बैट्समैन का हो सकता है। मेरे एक जो स्टार बनना चाहते हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने से बड़े स्पॉन्सर, कैप्टन, सीनियर प्लेयर की इज्जत करें और अपनी एक ही टीम में खेले, उसमें अपनी पक्की जगह बनाए, अपने आप को लोहा मनवाएं। इंशाल्लाह ताला वो सुपरस्टार बन के उधर से निकलेंगे। ये थे अल्ताफ भाई, जिनकी राय तो यकीनी तौर पर कई टाइम कराची में नंबर वन कप्तान रहे थे, कई बेहतरीन इवेंट जीतने में कामयाब हुए थे और साथ साथ यहाँ पर कई मैसेज दिए, कई बातें की अल्ताफ भाई ने। तो मैं खास तौर पर यहाँ पर जो जूनियर प्लेयर हैं, जो सुपर स्टार बनने की बात करते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज दिया है कि बर मेहरबानी जो सुपर स्टार बने तो अपने कॉलर ऊपर रखें, कॉलर नीचे रखें, क्योंकि कई वक्त मैंने कई उस जगह पर देखा है कि कॉलर ऊपर जिस प्लेयर के हो जाते हैं वक्तों ने बिल्कुल नीचे ज़मीन के नीचे दसा देता है। तो बराबर हमारे साथ अल्ताफ भाई के हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं अल्ताफ भाई जो कि इस्लामाबाद से तशरीफ लाए। तो इंशाल्लाह, थैंक यू अल्ताफ भाई, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब्बात खैर।